जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। रविवार को लेफ्ट और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच रामनवमी की पूजा और हॉस्टल में नॉनवेज खाना परोसने के लेकर शुरू हुई मामूली बहस हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। लेफ्ट के छात्रों का आरोप है कि इस हिंसक झड़प में 50 से 60 छात्र घायल हुए, जबकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ 6 लोग घायल हुए और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर जेएनयू में हुए इस विवाद की वजह क्या है। लेफ्ट विंग के छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के छात्रों ने उन्हें कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज खाने से रोका। लेफ्ट के छात्रों का आरोप, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कावेरी हॉस्टल में मारपीट की। लेफ्ट का आरोप है कि मैच के सचिव को भी पीटा गया, बताया भारत की सोच पर हमला। एबीवीपी ने कहा कि हॉस्टल में आयोजित रामनवमी पूजा का लेफ्ट विंग के छात्रों ने विरोध किया। एबीवीपी के मुताबिक लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने कहा जेएनयू में नहीं होगी पूजा। एबीवीपी का आरोप है कि राइट टू फूड और वेज नॉन वेज के आसपास इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद जेएनयू में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने कहा कि दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जेएनयू में दोनों गुटों के छात्र प्रदर्शन में जुटे हैं और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।